तो बच्चों आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए पार्ट 3 एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। तो बच्चों इस कहानी की लेखिका है बचेंद्री पाल। स्वयं बचेंद्री पाल ने ही इस पार्ट को लिखा है और इस पार्ट में उन्होंने अपने पर्वत पर चढ़ने के अभियान का रोमांचकारी वर्णन किया है। 7 मार्च को एवरेस्ट अभियान का दल दिल्ली से काठमांडू के लिए चला। तो उस समय जब इन्होंने अभियान शुरू किया तो अभियान शुरू करने में उन्हें किन किन बाधाओं का सामना करना पड़ा, कौन कौन से लोग मिले, उनके दल में कौन कौन से लोग थे, कौन किन किन लोगों ने उन्हें प्रेरणा दी, ठीक है, और जब वो एवरेस्ट पे पहुंच गई तो वहां पहुंचने के बाद उनका क्या अनुभव था, तो ये सारी चीज़ों को उन्होंने इस पार्ट में बताया है। तो बच्चों चलिए अब हम जानते हैं सर्वप्रथम बचेंद्री पाल के बारे में। तो बच्चों बचेंद्री पाल, इनका जन्म सन 24 मई 1954 को उत्तरांचल के चमोली जिले के बंपा गांव में हुआ था। और जब ये 8वीं कक्षा में पढ़ रही थी उस समय इनके घर की हालत इतनी ख़राब हो गई कि इन्हें घर खर्च के लिए सिलाई कढ़ाई करके पैसे जुटाना पड़ता था। और इस तरह से इन्होंने अपना जो पढ़ाई है वो जारी रखी और इतनी विषम परिस्थिति के बावजूद भी बचेंद्री पाल ने संस्कृत में एमए और बीएड की शिक्षा हासिल की। बच्चों जब बचेंद्री पाल छोटी थी तभी से इन्हें पर्वत जो है वो बहुत आकर्षित करते थे, उन्हें पर्वतों पर चढ़ने का बहुत शौक था। और जैसे ही उन्होंने अपनी पढ़ाई खत्म की वो एवरेस्ट अभियान दल में शामिल हो गई। तो बच्चों अब सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये अभियान दल क्या होता है। तो बच्चों देखिए, कभी भी अगर पर्वतों पर चढ़ना है, अगर पर्वतों पर चढ़ने का इरादा है, तो इसका ये अर्थ नहीं है कि हमें एक सीढ़ी लगा दी जाती है और हम उससे सीढ़ी पे चढ़ के चढ़ जाते हैं। ये इतना आसान नहीं होता। तो इसके लिए सबसे पहले एक दल होता है, एक इसके पीछे एक पूरी टीम मेंबर काम करती है ना। तो टीम में अलग अलग तरह के लोगों का अलग अलग कार्य होता है। जैसे कुछ लोग सैटेलाइट देखते हैं, कुछ लोग वेदर बताते हैं कि कहाँ पर कैसा वेदर है, हमें चढ़ाई आगे जारी रखनी चाहिए या यहीं पर स्टॉप करनी चाहिए, ठीक है। और रेखा चित्र बनाए जाते हैं पर्वतों पर कि कहाँ कहाँ कैंप को बनाना है, कितने कितने डिस्टेंस पे कैंप बनाए जाने चाहिए। कुछ शेरपा कूली होते हैं, ठीक है, शेरपा अर्थात कूली होते हैं, क्योंकि पर्वत की चढ़ाई के दौरान बहुत सारा सामान भी रखना होता है, तो कुछ शेरपा कूली भी साथ रखे जाते हैं। तो इस तरह से ये एक अग्रिम दल जो है वो पूरा काम करता है ये इस कार्य में। तो ये एवरेस्ट के दल में ये शामिल हो गई। अब बच्चों एक चित्र मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर माउंट एवरेस्ट, ये वही पर्वत श्रेणी है जहाँ पर जो लेखिका को आकर्षित करती थी और जिस पे चढ़ने का दृढ़ संकल्प उन्होंने ले रखा था। तो बच्चों यहाँ पर देखिए कि किस तरह से यहाँ पर इसको चिन्हित किया जाता था। मैंने जैसे बताया आपको, एक रेखा चित्र बनाया जाता था कि कितने कितने डिस्टेंस पे कैंप बनाए जाने चाहिए। तो बच्चों देखिए, ये है बेस कैंप। तो ये जो है बेस कैंप से ये यहाँ पे पहुँचने के बाद, काफ़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद, ये जब बेस कैंप पहुँचा जाने के बाद, यहाँ पर देखो खुम्बू जो हिमपात है, आइसफॉल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, खुम्बू हिमपात। यहाँ से आगे बढ़कर ये देखिए बच्चों, कैंप नंबर 1, कैंप नंबर 2, 3, 4, इस तरह से लास्ट में था ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का रास्ता बनाया गया था। तो इसको ध्यान में रखिए बच्चों, ये मानचित्र इतने कैंप के दौरान, इतनी चढ़ाइयों से गुजरने के बाद एवरेस्ट की चोटी पर जो है बचेंद्री पाल पहुंची थी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब हम अपने पाठ की ओर। तो इसके पहले मैं आपको बता देती हूँ कि माउंट एवरेस्ट जो है, माउंट एवरेस्ट के बारे में, कि माउंट एवरेस्ट जो है वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है और जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। और इस ऊंचाई का पता सर्वप्रथम एक भारतीय गणितज्ञ राधानाथ सिकंदर ने 1852 में लगाया था। अब बच्चों एवरेस्ट का नाम, इसका नाम एवरेस्ट कैसे पड़ा? तो उस समय जो भारत के सर्वेयर जनरल थे उनका नाम था सर जॉन जॉर्ज एवरेस्ट, और उन्हीं के नाम पर इस चोटी का नाम रखा गया माउंट एवरेस्ट। तो चलिए बच्चों अब हम बढ़ते हैं पाठ की ओर। तो
प्रस्तुत लेख में बछेंद्री पाल ने अपने अभियान का बहुत ही रोमांचकारी वर्णन किया है। और 7 मार्च को, जैसे मैंने आपको बताया था कि 7 मार्च को एवरेस्ट अभियान दल दिल्ली से काठमांडू के लिए चल पड़ा। और जब वो नमचे बाजार पहुंची तो नमचे बाजार से उन्होंने सर्वप्रथम जो है एवरेस्ट पर्वत को निहारा। तो बच्चों, जब उन्होंने पहले एवरेस्ट को देखा तो उन्हें उसे देखने के बाद उन्हें ऐसा एक एवरेस्ट की चोटी पर उन्हें कैसे भारी बर्फ का फूल दिखाई दिया, ऐसा लगा कि वहाँ पर एक फूल खिला हुआ है। तो जब उन्होंने पूछा इसके बारे में तो उन्हें पता चला कि जब पर्वत शिखर पर 150 किलोमीटर की गति से जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो उस समय बर्फ़ जो है वो सूख जाती है और वो उड़ने लगती है और वो एक फूल जैसे ही आकृति बनाती है। तो ये वही फूल है। तो शिखर पर चढ़ने वालों को ये सारी चुनौतियों का सामना तो करना पड़ता है, साथ ही साथ ख़राब मौसम का भय हमेशा बना रहता है। तो लेखिका को थोड़ा सा डर लगा और ये उन्हें डराने के लिए काफ़ी था, लेकिन वो पर्वत पर चढ़ने के लिए इतनी कह सकते हैं अधीर थी कि उन्होंने ये चुनौतियों का सामना करना स्वीकार किया। लेखिका जब आगे जब वो लोग बढ़े और 26 मार्च को जब उनका अभियान दल पेरिज पहुंचा तो उन्हें पता चला कि खुम्बू हिमबाद पर जाने के बाद जाने वाले एक शेरपा कुलियों में से एक की बर्फ़ खिसकने के कारण मौत हो गई। तो बच्चों, वहाँ पर ये बर्फ़ खिसकने की जो घटना है ये आम है और यहाँ पर ग्लेशियर्स जो है वो टूटते रहते हैं, चट्टानें टूटती रहती हैं, गिरती रहती हैं और फिर इन्हें साफ़ करके आगे के कैंप तक जाने का रास्ता बनाया जाता है। तो उस समय जब ये खुम्बू हिमपात जब खिसका तो उन वहाँ पर 16 लोग जो थे उनमें से 4 लोग बुरी तरह से घायल हो गए और एक जो है शेरपा कुली उसकी मृत्यु हो गई। तो ये लोगों को, उनके दल के जो लोग चढ़ाई चढ़ रहे थे उनको भयभीत करने के लिए काफ़ी थी। तो लेकिन फिर भी वो लोग जो अब आगे की चढ़ाई किस तरह से की जानी चाहिए तो इसके लिए फिर से उन लोगों ने प्रिपेयर किया, पूरा साफ़ कराया गया वहाँ का रास्ता। डॉक्टर मीनू मेहता ने इन्हें गाइड किया कि एलुमिनियम की सीढ़ियाँ जो है उससे कैसे अस्थाई रूप से पुल बनाया जाएगा, किस तरह से रस्सियों का उपयोग करना है, बर्फ़ की दीवारें, आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सी किस तरह से बांधना है आदि सारी चीज़ें इन्होंने सिखाई और ये लोग अपनी आगे की चढ़ाई चढ़ना शुरू कर दिए। तो बच्चों, अब हम देखते हैं जब ये लोग बेस कैंप पहुँचे तो बेस कैंप पहुँचने के बाद इन्हें फिर एक न्यूज़ मिली, सुनाई में पड़ी कि प्रतिकूल जलवायु के कारण, जैसे मैंने आपको बताया था कि मौसम ख़राब यहाँ पर आम बात है, तो जब प्रतिकूल जलवायु के कारण एक रसोईया सहायक की मृत्यु हो गई है तो ये थोड़े से और भयभीत हो गए। लेकिन उस समय जो जो इनके दल के जो नेता हैं उन्होंने बताया कि जब कर्नल खुल्लर को इस बात की सूचना दी गई तो उन्होंने इनका हौसला बढ़ाया और कहा कि इन सब चीज़ों के लिए आपको प्रिपेयर होना है और ये सब खतरे में कभी कभी मृत्यु का भी सामना करना पड़ता है। और ऑब्वियस सी बात है बच्चों, जब आप एक साइकिल, नॉर्मल साइकिल चलाना आप सीखते हैं तो उसमें गिरना आम बात है। अगर आपने ये डर गए आपके मुझ में गिर जाऊँगा तो आप क्या साइकिल चलाना सीख पाएंगे, है ना? आप नहीं सीख सकते। तो जब तक आप चुनौतियों को स्वीकार नहीं करेंगे आपको सफलता हासिल नहीं होगी। तो अब इनका दल आगे और बढ़ने लगा, इनके दल को फिर से ज़रूरी प्रशिक्षण दिया गया और इनका दल आगे बढ़ने लगा। अब हम देखते हैं बच्चों, 29 अप्रैल को वे 7900 मीटर ऊंचाई पर स्थित बेस कैंप पहुंचते हैं और बेस कैंप पहुंचने के बाद वहां पर तेंजिंग जो हैं वो आकर सबसे बात करते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं और उस समय वो बछेंद्री पाल से पूछते हैं जब उनके बारे में तो वो बताती हैं कि वो एक पर्वतारोहण में 9 सिखियाँ हैं, उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं आता। तो वो लेखिका के कंधे पे अपना हाथ रखते हैं और कहते हैं कि तुम एक पर्वतीय लड़की हो और मुझे ऐसा लगता है कि तुम पहले ही प्रयास में एवरेस्ट शिखर पर पहुँच जाओगी। बच्चों, मैं आपको यहाँ पर तेंजिंग के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। तो देखिए बच्चों, ये चित्र जो है ये तेंजिंग का है जो जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम पुरुष थे,
ठीक है, ये इन्होंने करीब 7 बार ये जो थे इसकी चढ़ाई में असफल हुए और 8वीं बार इन्हें सक्सेस मिली। 8वीं बार ये पर्वत पर किस शिखर पर जाकर खड़े होने वाले ये प्रथम भारतीय पुरुष थे। तो बच्चों ये नाम आप याद रखिए कि तेंजिंग जो है ये ऐसे प्रथम इंसान, प्रथम पुरुष थे जो पर्वत श्रेणी पर चढ़े थे। तो बच्चों इन्होंने, क्योंकि इन्हें काफ़ी नॉलेज था और इन्होंने दल के लोगों का हौसला बढ़ाया। अब बच्चों अब देखते हैं इनका जो कैंप है, ये 7,900 मीटर पे स्थित ऊंचाई पर इनका कैंप बनाया गया था और 15-16 मई 1984 को अचानक रात में 12:30 बजे करीब कैंप में ग्लेशियर टूट पड़ा, जिससे पूरा कैंप जो था इनका तहस नहस हो गया और हर व्यक्ति को चोटें आ गई। और लेखिका के साथ भी एक भारी इंसिडेंट हुआ कि वो बर्फ में पूरी तरह से दब गई थी, मीन्स एक कह सकते हैं बर्फ की कब्र ने उन्हें ढक लिया था। उस समय भरकस प्रयास किया गया उन्हें बाहर निकालने के लिए। लोबसांग ने स्विस छुरी की मदद से तंबू को साफ किया और उन्हें सुबह तक सुरक्षा दल वहां पहुंच गया और उन्हें पूरी अच्छे से साहसिक कार्य करके इन्होंने बहुत अच्छी तरह से इन्हें बाहर निकाला। तो इसमें करीब 9 पुरुष सदस्यों को चोटें लगी थी और हड्डियों टूटने के कारण कुछ लोगों को वापस से नीचे भेज दिया गया। यानी ऐसा लग रहा था कि अब ये लोग, क्योंकि ये हड्डियां टूटने की वजह से ये चढ़ाई नहीं चढ़ सकते, इसलिए इन्हें वापस से नीचे भेज दिया गया था। उस समय कर्लन खुल्लर ने बचेंद्री पाल से पूछा कि क्या अब भी ये चीज़ें देखने के बाद भी वो चढ़ाई जारी करेंगी या क्या वो वापस जाना चाहती हैं। तो बिचेंद्री पाल ने कहा कि नहीं, वो आगे की चुनौती का सामना करना चाहती है। अगले दिन वह प्रातः ही अंगदोरजी के साथ शिखर यात्रा पर निकल पड़ी। अथक परिश्रम के बाद वे शिखर कैंप पर पहुंची। मैंने आपको बच्चों एक पिक्चर दिखाया था जिसमें मानचित्र बना हुआ था पर्वतों पर किस किस तरह से कैंप में वो आगे बढ़ते जा रहे थे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम देखते हैं कि अब एक और साथी लाहाटू के, अब वो लोग आगे बढ़ते जा रहे थे और साउथ कोल पहुंचते ही लेखिका ने अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई शुरू की। तो यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों कि जो उनका एक और साथी था, एक और साथी लाहाटू के आ जाने से उनको उनको ऑक्सीजन, ऐसा लग रहा था उनके पास अब ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, लेकिन लाहाटू के आ जाने पर उन्हें ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाने से उन्हें चढ़ाई करने में आसानी हो गई और 23 मई 1984 को दोपहर 1:07 पर लेखिका एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। तो वो अपने मित्र के साथ बच्चों एवरेस्ट की चोटी पर, आप देख सकते हैं पिक्चर में यहाँ पर किस तरह से बचेंद्री पाल और उनके साथी जो हैं अंगदोरजी दोनों एवरेस्ट की चोटी पर खड़े हैं। तो यहाँ पर बच्चों एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि वहाँ पहुँचने के बाद लेखिका ने क्या क्या चीज़ें की, और इसके पहले जो मैंने आपको पढ़ाया था बच्चों उसमें से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस तरह से वहाँ पर वो किस तरह से बर्फ में दब गई और किस तरह से उन्हें वहाँ से निकाला गया, इस पर भी एक प्रश्न पूछा जाता है। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे देखते हैं बच्चों हम कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी और चोटी पर जब वो दोनों व्यक्ति वहाँ पर पहुँचे तो पहले दो व्यक्तियों को के साथ खड़े रहने की जगह नहीं थी, तो उन्होंने वहाँ पर फावड़े की सहायता से वहाँ की खुदाई करके वहाँ जो है वो एक समतल सतह तैयार की, समतल एक बेस तैयार किया ताकि वहाँ पर दो लोग आराम से खड़े हो सकें। उसके बाद वहाँ खड़े होकर उन्होंने अपने आप को सुरक्षित किया। उसके बाद लेखिका जो है वो घुटनों के बल बैठ गई और बर्फ को सबसे पहले उन्होंने अपने माथे से लगाकर सागर माथा के ताज का चुंबन किया, जिसे मैंने बच्चों बताया था शुरू में ही वो देखती थी। सागर माथा बच्चों इसे सागर माथा भी कहा जाता है, सागर माथा क्योंकि ये नेपाली लोग इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है और तीनों ओर के समुद्र के मध्य में ये माथा चौड़ा किए बीच में ये गर्व के साथ खड़ा है, इसलिए इसका नाम है सागर माथा। तो बच्चों ये इस पे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका सागर माथा नाम क्यों है, तो इससे भी आप एक बार देख लेंगे। तो सागर माथा का चुंबन किया और वहीं बैठ कर उन्होंने अपने एक थैले में से दुर्गा माता का चित्र निकाला और हनुमान चालीसा निकाल कर लाल कपड़े में लपेट कर इसकी पूजा करके उसे बर्फ में दबा दिया। और तभी उन्हें उनकी माता पिता की भी याद आई और उन्होंने अपने साथी अंगदोरजी को नमस्कार किया। लेखिका ने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट पर चढ़ने की बहुत बहुत बधाई दी।
और उन्होंने भी दोरजी ने भी लेखिका को गले से लगाया और उन्हें कहा कि तुम एक बहुत ही अच्छी तुमने बहुत अच्छी चढ़ाई की। उसके बाद लेखिका ने कर्नल खुल्लर को अपनी सफलता वॉकी टॉकी से उन्होंने उन्हें भी कॉल किया, उन्हें भी बताया कि वो किस तरह से एवरेस्ट शिखर पर खड़ी हैं। उस समय कर्नल खुल्लर ने भी उनकी सफलता, वो बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने लेखिका से कहा कि तुम्हारी इस उपलब्धि के लिए मैं तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा और देश को तुम पर गर्व है। अब तुम इस संसार में जब वापस आओगी तो तुम्हें पहले से एकदम ये संसार भिन्न लगेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतनी सफलता हासिल कर ली है कि इसके बाद आने के बाद वो एक सक्सेसफुल व्यक्ति के नाम से जानी जाएंगी, है ना बच्चों। जितना उन्होंने स्ट्रगल किया तो उस स्ट्रगल का उन्हें परिणाम भी मिला और वो इसमें जाकर पर्वत शिखर पर खड़ी हो सकी।